हाय, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की खास बात यह है कि वो क्लास 11th में तो है ही, साथ ही साथ क्लास 12th में भी है। तो अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो क्लास 11th प्लस क्लास 12th मिला के इसकी वेटेज बन जाती है यहाँ पे 3 मार्क्स की। ओके, कितनी वेटेज बन जाती है यहाँ पे 3 मार्क्स की। और अगर आपको क्लास 12th का सेमीकंडक्टर करना है तो क्लास 12th के सेमीकंडक्टर्स चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और क्लास 11th है सेमीकंडक्टर्स। तो क्लास 12th आप तभी कर सकते हो जब आपको पहले वाला पार्ट आता है यानी 11th का, क्योंकि क्लास 12th पूरा का पूरा एप्लीकेशंस बेस्ड है। खास बात इस चैप्टर की ये है, इस चैप्टर में फॉर्मूलाज है ही नहीं। ओके, क्लास 11th के सेमीकंडक्टर्स में कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूरा थ्योरी है। तो जो क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आता है MHT CET में, वो क्वेश्चन भी हमारा आ जाता है थ्योरेटिकल। ओके, तो इस वजह से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। एज वेल एज इस चैप्टर की बेस्ट बात ये है कि एक कहानी के तरह है चैप्टर हमारा। ओके, पूरा का पूरा चैप्टर कैसा है, पूरा का पूरा चैप्टर एक कहानी के तरह है, एक स्टोरी है, एक प्रॉब्लम है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो हमारे पास ज़िंदगी में पहले से ही कंडक्टर्स थे, हम हमेशा से कंडक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, राइट? कंडक्टर्स एकदम बढ़िया हमारे पास पहले से ही थे, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मिल जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भर भर के पड़े हैं, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे, हजारों करोड़ों लाखों अरबों। एग्जांपल तौर पे कंसीडर करते हैं यहाँ पे सोडियम। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है 2.8.1। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम डोनेट कर देता है, क्योंकि हर इंसान को जिंदगी में सेटलमेंट चाहिए, तो हर इलेक्ट्रॉन को जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, राइट? हम किससे बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। अगर हम लाइफ में सेटल होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सोडियम जैसे एटम्स भी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। तो ये लोग अपना जो एक एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है इसको कर देते हैं डोनेट और खुद बन जाते हैं आयन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें दे देते हैं। अगर एक सोडियम एटम हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है तो ऐसे करते करते हमारे पास 1000 सोडियम एटम है अगर, तो वो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स देंगे। और अगर मैं एक रियल मेटल का सरफेस कंसीडर करूं, उसमें तो लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं। आपने सुना होगा 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 × 10^23 नंबर ऑफ एटम्स, राइट? तो 1 मोल तो इतना सा होता है, बट हमारे पास तो बड़े बड़े सर्फेसिस होते हैं, यानी हजारों करोड़ों इनफाइनाइट सोडियम के एटम्स हमें क्या दे देते हैं, हमें दे देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो हमें यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पे कंडक्टर्स में प्रॉब्लम क्या है, अगर हम कंडक्शन की बात करें तो बढ़िया है एकदम, हजारों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और क्या चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे है, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, देयर इज नो कंट्रोल। अगर कहीं पे आग लग जाए, कहीं पे शॉर्ट सर्किट होना चालू हो जाए, हम उसको नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हैं कि मल्टीप्लाई होते जाता है हमारा करंट, शॉर्ट सर्किट में चीज़ें फटाफट होती जाती है, देयर इज़ नो कंट्रोल। सेकेंड चीज़ यहाँ पर यह है, अगर मैंने कॉपर की वायर ले ली, ओके, अगर मेरे पास एक कॉपर की वायर है और उसको मैं एक साइड से बैटरी लगाता हूँ, ओके, तो करंट बहना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होगा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बहता है, नेगेटिव में जाता है, तो ऐसे करंट बहना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से इसी कॉपर वायर के मैं उल्टे डायरेक्शन में मैं बैटरी लगा दूँ, ओके, इस बार डायरेक्शन उल्टा कर दूँ तो भी करंट बहना स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे कोई डायरेक्शन है ही नहीं, करंट जब बैटरी लगाया करंट बहना स्टार्ट हो जा रहा है। इमेजिन कीजिए आपने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है, ओके, तो मोबाइल जब आप अपना चार्जिंग पे लगाएंगे, ये है आपका मोबाइल फोन, आपने लगाया है चार्जिंग पे। इमेजिन करते हैं हमारी वायर एक कंडक्टर होती, ओके, तो क्या होता जब आपका मोबाइल 0% है और यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो 100 से 0 की तरफ यहाँ पे चार्जिंग बहती, ओके, धीरे धीरे आपका मोबाइल चार्ज होता। एक समय ऐसा आता जब आपके मोबाइल की चार्जिंग हो जाती है 51%। समझो कंडक्टर मतलब ये पावर बैंक है आपके पास, ओके, पोर्टेबल चार्जर है, पावर बैंक आपके पास है, ओके, तो इवेंचुअली क्या हो जाता है, एक समय ऐसा आता है जब आपके मोबाइल की चार्जिंग समझो हो गई 51% और पावर बैंक की चार्जिंग हो चुकी है 50%। बोलो क्या सुना है हमने बचपन में, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब मोबाइल आपका 51% चार्ज हो जाता तो आपका मोबाइल अब पावर बैंक को चार्ज करना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ओके, तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है। मैं गया कहीं बाहर मोबाइल चार्जिंग पे लगा के, घर पे पहुंचा तो देखा पावर बैंक चार्ज हो गया है, मोबाइल की चार्जिंग उल्टा खत्म हो गई है। सो दोनों चीजें प्रॉब्लम वाली हैं, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। सो यही दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने बनाया है सेमीकंडक्टर। बात करते हैं इंसुलेटर्स के बारे में। सो इंसुलेटर्स
प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इंसुलेटर्स में, राइट? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऐसे लॉजिक है, आप चंदा लेने गए किसी से, ओके, आपने किसी को कहा हमें डोनेशन चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसका कहानी सुना, इतना इमोशनल हो गए, जितना चंदा जमा किया था सब वापस उसी को देकर चले आ गए, ओके। सो यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फिगरेशन है 2.8.7। क्लोरीन को भी स्टेबल बनना है जीवन में, क्लोरीन को स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे चाहिए 2.8.8, ओके। तो यानी कि ये क्लोरीन क्या करता है, उल्टा नेगेटिव चार्ज बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन हमसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो वापस से मैं वही लॉजिक लगा सकता हूँ, एक क्लोरीन एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 500 क्लोरीन एटम 500 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1000 क्लोरीन एटम 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमसे ले लेंगे। सो इंसुलेटर्स में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए 19वीं सदी के एंड में शुरुआत हो गई थी हमारे सेमीकंडक्टर्स की। किसकी शुरुआत हो चुकी थी? सेमी की कंडक्टर, 20th सेंचुरी, नॉट 19th सेंचुरी, ओके, सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे शुरुआत हो गई। तो कंडक्टर्स में हमारे पास दो प्रॉब्लम है, इंसुलेटर्स में हमारे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सेमीकंडक्टर्स एकदम खास डिवाइसेस हैं। तो सेमीकंडक्टर्स असल में हैं क्या? व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? तो अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं यहाँ पे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। क्या है हमारे सेमीकंडक्टर? हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं यहाँ पे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स होने का मतलब क्या होता है? ग्रुप 14 एलिमेंट्स होने का मतलब होता है इनके वैलेंस शेल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इनके शेल में? यहाँ पे हैं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो यहाँ पे हो जाता है थोड़ा सा ट्विस्ट। पहला एलिमेंट ग्रुप 14 का आ जाता है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर है 2.4। अब अगर कार्बन को स्टेबल बनना है तो उसके पास दो रास्ते हैं, ओके, दो रास्ते हैं। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो स्टेबल बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम इज अ नोबल गैस, ग्रुप 18 एलिमेंट है, वो स्टेबल बन जाएगा। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर दे, एक्सेप्ट करेगा तो भी क्या होगा, नेक्स्ट एटॉमिक कॉन्फिगरेशन पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट एटॉमिक कॉन्फिगरेशन नियॉन है प्रोबेबली, हाँ नियॉन है, नियॉन आर्गन एर्गन 18 पे आता है, सो बेसिकली वो नियॉन बन जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो स्टेबल बन जाएगा। तो समवॉट अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। क्या डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है? कंट्रोल डेवलप होना आपके पास स्टार्ट हो चुका है। तो यही खास बात होती है सेमीकंडक्टर्स की। तो व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स आर इसेंशियली ग्रुप 14 एलिमेंट्स। क्या है हमारे सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स में हमारे पास है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड फाइनली आ जाता है लीड, ओके। तो कंडक्टर से हमको धोखा मिला, हमने देखा कंडक्टर शॉर्ट सर्किट होने पे हमारे ही घर को जला रहे हैं। तो हम अपने दिल की उम्मीद लेके आ चुके हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के पास, बट सेमीकंडक्टर में हम देखते हैं यहाँ भी हमें धोखा ही मिलता है, ग्रुप 14 में खास करके। अगर मैं बात करूँ कार्बन की, बोलो कार्बन क्या है? कार्बन केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे डाइवर्स एलिमेंट है। कार्बन का एक रूप है ही नहीं, कार्बन शोज एलोट्रॉपी। आज कोयला बन जाएगा कार्बन तो कल हीरा बन जाएगा, आज अल्केन बनेगा रिएक्शन के साथ तो कल अल्कीन, परसों अल्काइन। तो ये चीज तो बाबा कुछ भरोसा ही नहीं है इसका, आज क्या है कल क्या है कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ये तो जो चीज खुद बदल रही है उस पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो कार्बन कैन नॉट बी माई सेमीकंडक्टर, मतलब उसको हम यूज नहीं कर सकते। उसी तरीके से बात करते हैं जो बड़े एलिमेंट्स हैं, टिन और लीड। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में पढ़ा होगा, बड़े बड़े न्यूक्लियाई खुद ही डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके, यानी कि वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। जो चीज़ हाईली अनस्टेबल है, अगेन वो भी मेरे किसी भी काम की यहाँ पे नहीं है। तो टिन और लीड को भी यहाँ पे मैं खुद ही रिजेक्ट कर देता हूँ। सो इवेंचुअली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है? मेरे पास बच जाता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एंड बधाई हो यही है आपके फाइनल दो सेमीकंडक्टर्स। तो हमने कंडक्टर से धोखा खाया, कंडक्टर से धोखा खाने के बाद हम आ गए ग्रुप 14 एलिमेंट्स के पास। हमने ग्रुप 14 एलिमेंट से धोखा खाया, उसके बाद हम आ गए यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास। बट देखते हैं आगे क्या होता है। तो बात करते हैं सिलिकॉन के बारे में। अभी उम्मीदें किससे हैं हमारी? उम्मीदें पूरी की पूरी सिलिकॉन से हैं। तो सिलिकॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 14 का एलिमेंट है। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हम फिजिक्स की बात करें, हम केमिस्ट्री की बात करें, कोई भी चीज़ इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं होती है कि मैं कहूँ वो देखो वहाँ पे एक सिलिकॉन बैठा है, ऐसा तो कभी नहीं होता है।
राइट, ऐसी चीजें तो कभी भी यहाँ पे नहीं होती हैं। सो अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब सिलिकॉन के आसपास बहुत सारे सिलिकॉन ही सिलिकॉन होंगे, राइट, हर जगह सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के अंदर सिलिकॉन सिलिकॉन, ऐसे हजारों करोड़ों सिलिकॉन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई, हर सिलिकॉन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये मेरा बीच वाला सिलिकॉन है, ये इसका पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक सिलिकॉन बैठा है, इसके पास खुद के चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो तीन और चार। यहाँ पे सिलिकॉन बैठा है, यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो तीन चार। यहाँ पे सिलिकॉन बैठा है, यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो तीन चार। नीचे सिलिकॉन है, चार इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप ध्यान से देखो शेयरिंग करते करते, ये तो दो चार छ आठ, ये तो पूरा का पूरा स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने कर दिया कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग होने के बाद क्या हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ये बन चुके हैं यहाँ पे स्टेबल। बोलो स्टेबल चीजें किसी काम की हैं क्या हमारी, बोलिए स्टेबल चीजें हमारी किसी काम की है, तो स्टेबल चीजें हमारी किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज स्टेबल है तो वो केमिकल रिएक्शन, नॉट केमिकल रिएक्शन, करंट फ्लो करवाएगी ही क्यों। ओके, सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम अगेन विद द सेमीकंडक्टर्स। एंड सेम जर्मेनियम के साथ भी होगा, जर्मेनियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चार ही इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम भी कोवेलेंट बॉन्डिंग बना देगा एंड अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम कंडक्टर से धोखा खाया, हम आए ग्रुप 14 एलिमेंट्स के पास, तीन जनों से वहां पे धोखा खाया, सिलिकॉन जर्मेनियम के पास उम्मीदें रख के आए, बट देखा तो ये तो खुद ही जोड़े जोड़े बना के स्टेबल हुए बैठे हैं। तो बोलो क्या हो गया, ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। ओके, ये भी मेरे किसी काम का नहीं है, तो इवेंचुअली मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं जो मेरा प्योर सेमीकंडक्टर है। ओके, प्योर सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम हो जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जो मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या फिर जो मेरा प्योर सेमीकंडक्टर है वो होता है यूजलेस, वो यूजफुल नहीं है, मेरे किसी भी काम का वो नहीं है, वो तो इंसुलेटर बन गया। अगर आप ध्यान से देखें, आता है MHT CET में क्वेश्चन, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज, तो यू हैव टू राइट इंसुलेटर हियर। ओके, चलिए, तो हमारा हर ग्रुप में एक दोस्त होता ही होता है जो एकदम शरीफ होता है, बहुत ज्यादा शरीफ, बहुत ज्यादा पढ़ाकू होता है, बट अगर वो उस माइंडसेट से जिएगा तो जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, दुनिया कच्चा चबा पाएगी। तो उस वजह से हर ग्रुप में एक दोस्त ऐसा होता ही है जो हमेशा बिगाड़ता है सबको, एंड वो दोस्त हमेशा होना भी चाहिए जो हमको रियल दुनिया सिखाता है। पढ़ाई में वो होशियार नहीं रहेगा, पढ़ाई में वो होशियार नहीं रहेगा, बट दुनिया जीना आपको पक्का सिखाएगा, आपको दुनिया के टोटके, कैसे जीना है, कैसे सस्टेन करना है, कैसे किससे डील करना है, कैसे जवाब देना है किसी को, कैसे वसूली करनी है, कैसे अपना हक छीनना है, वो एक दोस्त होता है जो हमें सिखाता है। भले वो उस इंसान को इम्प्योर बना देगा, बट आज के ज़माने में इम्प्योरिटी भी ज़रूरी है, तो वही हम करेंगे, इस प्योर सेमीकंडक्टर को हम यहाँ पे बना देंगे इम्प्योर, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, हम प्योर सेमीकंडक्टर को कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो एग्जाम्पल है इसका गोल्ड, अगर आप गोल्ड की बात करें, अगर आपको गोल्ड कभी लेने गए हैं आप या कुछ आइडिया है, सो गोल्ड होता है 24 कैरेट का प्योर गोल्ड, टुकड़ा मिलता है आपको, ऑर्नामेंट नहीं मिलेगा, टुकड़ा मिलता है 24 कैरेट का, बिस्किट्स भी नहीं, टुकड़ा ही मिलता है। चलिए ओके, बिस्किट पता नहीं मुझे भाई, इतना तो डील नहीं किया मैंने भी। ओके चलिए, सो 24 कैरेट का गोल्ड आता है, उसमें अगर आप थोड़ा सा डोपिंग करें, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज ऐड करें, तो आपको मिल जाता है 22 कैरेट का गोल्ड, जो यूजुअली हम लोग पहनते हैं, मतलब हम लोग नहीं, जो लोग पहनते हैं, राइट, जो भी लोग गोल्ड पहनते हैं, चेन ब्रेसलेट, डेट इज ऑफ 22 कैरेट। अगर आपको और सस्ता गोल्ड चाहिए तो आप और डोपिंग करा के लोगे तो आपको मिल जाएगा 20 कैरेट का, अगर आपको और चीपेस्ट में चीपेस्ट गोल्ड चाहिए सो दैट इज ऑफ 18 कैरेट। ओके, तो कभी सोचा है क्या ये क्या बात हुई, 24 कैरेट का भी गोल्ड ही है, 22 कैरेट का भी गोल्ड ही है, 20 कैरेट का भी गोल्ड ही है, 18 कैरेट का भी गोल्ड ही है, प्राइस में भी बहुत फर्क होता है। सो ये फर्क क्यों होता है, बिकॉज हम यहाँ पे करते हैं डोपिंग, हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं गोल्ड के साथ। सो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम करने वाले हैं डोपिंग। अब अगर हम डोपिंग करने वाले हैं तो क्या करूं, क्या इम्प्योरिटी ऐड करूं, मतलब क्या इम्प्योरिटी ऐड करूं, कुछ भी पत्थर वत्थर उठा के डाल दूं अंदर, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, रेती उठा के डाल दूं थोड़ा इम्प्योर बना दूं, ना, मुझे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डैमेज नहीं करना है, राइट, साइंस पढ़ रहे हैं ना हम, तो ऐसा तो कुछ भी उठा के नहीं डाल सकते, मुझे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करना है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को कुछ भी होना नहीं चाहिए।
ओके सो अगर कुछ भी नहीं होना चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं एट प्रेजेंट ग्रुप 14 एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फिर मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? या तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा ग्रुप 13 एलिमेंट डोपिंग करने के लिए, या तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा ग्रुप 15 एलिमेंट डोपिंग करने के लिए। इन दोनों के अलावा मैं और कुछ भी नहीं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है आपको पता होगा जैसे जैसे आप नज़दीक नज़दीक वाले ग्रुप्स को देखते हो तो आपको कैरेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज सिमिलर नज़र आती हैं। आप दूर चलते जाओगे तो प्रॉपर्टीज एंड साइज बदलता जाता है। तो ये ग्रुप के एलिमेंट्स यूजुअली क्या होते हैं? सिमिलर साइज के होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं। सो इवेंचुअली हम इनको डोपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। समझो मैंने बीच में से एक सिलिकॉन को निकाल दिया और इस एक सिलिकॉन को निकाल के यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ग्रुप 15 एलिमेंट। क्या डाल देता हूँ यहाँ पे? ग्रुप 15 एलिमेंट डाल देता हूँ। जिस तरीके से ग्रुप 14 में 4 रिप्रेजेंट करता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 में 5 रिप्रेजेंट करता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अगेन क्या होगा? अगेन यहाँ पे भी मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन मुझे मिलेंगे। ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, और एक इलेक्ट्रॉन और रह जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे बचेगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब होगा क्या यहाँ पे? इन्होंने बॉन्ड्स आपस में बना दी, एक बॉन्ड बन गई, दो बॉन्ड बन गई, तीन बॉन्ड बन गई, चार बॉन्ड बन गई। ये तो पहले वाली ही बात हो गई, ये तो अभी अभी हमने देखा, अभी अभी ऐसा ऑलरेडी हमारे साथ हो चुका है। सिलिकॉन ने भी यही हरकत की थी, चारों जगह बॉन्ड बना के वो बैठ गया था, बट सिलिकॉन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था। सिलिकॉन हैड नो फ्री इलेक्ट्रॉन। बट अगर हम बात करें हमारे सेमीकंडक्टर की, ग्रुप 15 एलिमेंट से जिसको हमने डोप किया है, यहाँ पे मेरे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया है। आपको पता है जिंदगी में जब जब इंसान फ्री होता है, जब जब इंसान सिंगल होता है, वही तबाही मचाता है। सिंगल लोग ही दुनिया को अच्छे लेवल पे जज, ठीक है जज नहीं करते, जाने दो, चलो जाने दो, उन बातों में नहीं घुसते हैं। बट सिंगल लोगों के पास जिनके कोई आगे पीछे नहीं होता है, वो पोटेंशियल रखते हैं रिवॉल्यूशन लाने का। कहने का मेरा ये मतलब था। सो इवेंचुअली यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ? अगर मैंने एक एलिमेंट ग्रुप 15 का डाला, ओके, तो मुझे एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहा है। मैं 5 एलिमेंट ग्रुप 15 के डालूं, मुझे 5 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मैं 10 एलिमेंट ग्रुप 15 के डालूं, मुझे 10 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मैं 10,000 एलिमेंट्स ग्रुप 15 के डालूं, मुझे 10,000 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सबसे पहली पहली बात, मुझे यहाँ पे कंट्रोल मिल गया। एग्री करते हो क्या? कंट्रोल की कमी थी कंडक्टर्स में, तभी हम सेमीकंडक्टर्स में आए। यहाँ पे मुझे कंट्रोल मिल गया है। मेरी मर्जी है मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डालना चाहता हूँ, कितने ग्रुप 15 के एलिमेंट्स डालूंगा उतने मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सो दिस इज द सबसे बेस्ट बात। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे 10,000 ग्रुप 15 के एलिमेंट्स डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे 10,000 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल काम कर सकता हूँ। डोपिंग करते कैसे हैं? डोपिंग हम करते हैं पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन में। हमको पता है कि एटम्स तो हजारों खरबों करबों हैं, मतलब मैं जितने जीरो दे दूं कम है। सी 10^23 को ही आप कैलकुलेट करके देखो, आप कर ही नहीं पाओगे। 10^23 को ऐसे कैलकुलेट करो, यूनिट्स, टेंस, 100,000, 10,000, नंबरिंग भी नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो डोपिंग करते हैं 1 in million, ओके, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1,000,000 एटम में से एक रिप्लेस करते हैं, या तो हम करते हैं पार्ट्स पर बिलियन यानी कि 1 billion में से एक रिप्लेस करते हैं। फिर भी हमको अच्छा खासा यहाँ पे कंडक्शन मिल जाता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्रुप 15 एलिमेंट। तो एमएचटी सीईटी में क्या पूछते हैं आपसे? ग्रुप 15 एलिमेंट्स के आपको नाम दे देंगे, एक करेक्ट नाम होगा, 3 गलत नाम होंगे, या 3 सही नाम होंगे, 1 गलत नाम होंगे। बोलेंगे इसमें से कौन सा आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इसमें से कौन सा आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ऐसा करके पूछते हैं। ओके, देखते हैं क्या होगा सेमीकंडक्टर एंड ऑल। चलिए, एक चीज तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई। सो ग्रुप 15 एलिमेंट से क्या होगा? ग्रुप 15 एलिमेंट से एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। सो एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ऐसे जितने एलिमेंट्स डालूंगा उतने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। सो इवेंचुअली मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिच हो जाएंगे। मेरा जो मटेरियल है दैट वुड बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, और इसी सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, जो सेमीकंडक्टर्स ग्रुप 15 को इस्तेमाल करके बने हैं उन्हें हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन रिप्रेजेंट्स हियर नेगेटिव चार्ज, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन। तो आपको आ सकता है एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन बनाता है, फिर ऑप्शंस दे सकते हैं कुछ ग्रुप 15 एलिमेंट के। तो आपको ग्रुप 15 एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे याद होने चाहिए, एज वेल एज ग्रुप 13 एलिमेंट्स के भी। बात करते हैं यहाँ पे हम ग्रुप 13 एलिमेंट से अगर डोप करूं, तो अगर मैं ग्रुप 13 एलिमेंट से यहाँ पे डोप करना चाहूं तो क्या होगा? ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बन जाएगा,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ एक जोड़ा बन जाएगा इनका, यहाँ एक जोड़ा बन जाएगा इनका, यहाँ एक जोड़ा बन जाएगा, बट यहाँ पे खालीपन रह जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे एक होल रह जाएगा। तो अगर मेरे पास एक ग्रुप 13 का एलिमेंट है तो मुझे बेसिकली क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है यहाँ से एक होल। ओके, सो एक ग्रुप 13 का एलिमेंट मुझे क्या देता है, मुझे देता है एक होल। अब होल देखने में तो टाइम पास लग रहा है, बट स्टिल इसके पास भी बहुत कुछ, इसके यूज से भी बहुत कुछ हमारा यहाँ पे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तौर पे, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग वे में समझना पड़ेगा, थोड़ा मैन विल बी मैन वाली एड याद करो। ओके, वही वे है समझने का। समझो यहाँ पे कोई रिलेशन में जाना चाहता है, बट रिलेशन में वो है नहीं एट प्रेजेंट। ओके, और ये लोग इधर रिलेशन में ऑलरेडी है, इनको पता चला कि यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, सिलिकॉन को निकाल के कोई और आया, बट उसकी बनी नहीं इससे। तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन सोचेगा, चलो यहाँ पे तो हम रिलेशन में है ही ना। ओके, यहाँ पे तो अपना अच्छा चल रहा है रिलेशन, थोड़ी देर उधर होके आते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होके चला आएगा इधर। मैन विल बी मैन, ये बोलेगा थोड़ा समय यहाँ पे हमने बिता दिया है, अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही है, या फिर बोलेगा बोर हो गया हूँ तुमसे, रोज वही वही बातें करनी पड़ती हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब होके यहाँ आ जाएगा। ओके, सो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ खालीपन हो जाएगा, बोलो लॉजिक समझ गया क्या। फिर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से गायब हो जाएगा, है ना, कोई दूसरे वाले एटम से गायब हो जाएगा, बोलेगा अरे इसके साथ आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एक होल के वजह से क्या हो गया यहाँ पे, एक होल के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो गया। ऐसे कितने होल होंगे, मेरे हाथ में है। सो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को ही हम कहते हैं यहाँ पे करंट। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को ही कहते हैं हम करंट। तो समझो यहाँ पे मैं 500 ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को ऐड करूँ तो मेरे पास कितने होल्स मिल जाएंगे, मेरे पास 500 होल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और होल्स में से इवेंचुअली क्या हो जाता है, होल्स में से इवेंचुअली हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, और उसी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को हम क्या कहते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को हम कहते हैं करंट। तो देखो ये भी मेरा एकदम सही चल रहा है ना, ग्रुप 13 एलिमेंट डाल रहा हूँ तो भी मुझे करंट मिल रहा है, और साथ ही साथ मुझे अच्छे मात्रा में करंट यहाँ पे मिल रहा है कम मेहनत करके। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ होल क्या है। सो होल को हम एक्चुअल लाइफ में कंसीडर करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्या कंसीडर करते हैं एक्चुअल लाइफ में, हम कंसीडर करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि खाली जगह कहना थोड़ा सा अजीब है। ओके, होल को हम क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज। इमेजिन करो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज थी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गई, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे थी, इलेक्ट्रॉन वहां से अट्रैक्ट हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हुआ तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे बैठा था वो कुर्सी खाली हो गई। वो कुर्सी क्या हो गई, वो कुर्सी यहाँ पे खाली हो गई। तो मैं अज्यूम करता हूँ ये अब होल है, ये होल है, तो इसमें ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन कूदता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने जंप कर दिया तो मैं कहूंगा यहाँ पे होल है। अगर आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन्स की पोजिशन के साथ साथ होल की पोजीशन भी बदल रही है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के साथ साथ मेरे होल्स की पोजीशन भी बदल रही है, होल भी यहाँ पे मेरा चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जहां जहां हटेगा, जहां जहां इलेक्ट्रॉन ने जंप दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप देके इधर आया तो इधर होल बन जाएगा। सो इसका मतलब जिस जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है उसी तरीके से मेरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा होल्स का मोशन भी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो होल्स देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पे मेरे पास होते जा रहे हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द होल। चलिए, तो फाइनली अभी तक का सारांश क्या है, अभी तक का सारांश ये है, अगर मैं कोई ग्रुप 13 का एलिमेंट यूज करता हूँ तो तीन इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना देंगे तीन सिलिकॉन के साथ, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक जगह खाली रह जाएगी, वो वैकेंसी को हम कहते हैं होल। होल एसेंशियली हम कंसीडर करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे जितने होल्स मैं अपने तरफ से ऐड करूंगा वो मुझे कंटेनर मिलता जाएगा, कंटेनर कंडक्टर के अंदर मिलता जाएगा, सेमी कंडक्टर के अंदर, एंड उसी को हम कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। सो पी टाइप सेमी कंडक्टर किससे बना है, बना है पूरा का पूरा होल से। बात करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट से, अगर मैंने डोपिंग किया, अगर ग्रुप 15 एलिमेंट से डोप करूंगा तो चार इलेक्ट्रॉन्स तो चार सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएंगे, बट एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रहते जाएगा। सो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स एसेंशियली क्या बनाते हैं, एसेंशियली बनाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिच सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। सो ये है मेरा पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ये है हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। यहाँ पे हमारे सारे के सारे बेसिक्स इस चैप्टर के होते हैं समाप्त। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड।
सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को साथ में लेकर के रख देंगे। मैं यहाँ पे वायर कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बायसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बायसिंग का मतलब होता है वायर कनेक्ट करना, मेटल को कनेक्ट करना, मेटल को जोड़ना, मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इनको साथ में यहाँ पर आजू बाजू में रख दे रहा हूँ। तो देखो, मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं की है तो एनर्जी तो नहीं मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को या फिर होल्स को। अब से फ्रॉम नाउ होल्स को कंसिडर करना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर ज्यादा होल्स हम होल को होल बोलेंगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कंसिडर करना है होल को एज अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वही इमेजिनेशन से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आती है। चलिए, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को साथ में लेकर के रख दिया है और मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं की है। तो बैटरी कनेक्ट नहीं की है तो इनके पास एनर्जी ज्यादा तो नहीं रहेगी, बट स्टिल इनके पास थोड़ी थोड़ी एनर्जी रहती है, क्योंकि अंदर एटम के इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने ज्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स हैं कि रिपल्शंस, अट्रैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तो कहीं ना कहीं मैटर कर ही जाती है। सो हो क्या जाता है, जो नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये होल्स में जाना शुरू हो जाते हैं। जो ये नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ जाना शुरू हो जाते हैं, इस होल के अंदर जाना यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए तो इधर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और यहाँ पे बन जाता है मेरा होल। होल यानी कि मतलब खाली जगह, खाली जगह मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो भले ही मैंने एनर्जी नहीं दी, बट फिर भी जो इंटरनल एनर्जी इनके पास थी, जो एनर्जी इनके पास थी, उस एनर्जी के आधार पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया यहाँ पे डिफ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, सो ये चार्जेस एक दूसरे में डिफ्यूज हो गई। उसी तरीके से क्या होगा, बाजू वाले इलेक्ट्रॉन जिनको थोड़ा बहुत एनर्जी और है वो भी यहाँ पे जंप करने का प्रयास करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे जंप करने का प्रयास करेंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे आ गए होल्स, बट दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा चलने के लिए इन्हें चाहिए होती है एनर्जी, जो कि इनके पास नहीं है। तो हो क्या जाता है, जब भी मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को साथ में रखता हूं तो यहाँ पे हो जाता है एक बैरियर पोटेंशियल का जन्म। ओके, तो ये जो सेक्शन है यहां से लेके यहां तक, इसके बहुत सारे नाम है, इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ओके, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन के साथ साथ क्योंकि ये रुकावट आ गई, एक अनवांटेड रुकावट आ गई, तो उसको हम बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं, या फिर कुछ लोग इसको पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। जो भी कहो, नाम तो आपका वही है, या तो डिप्लीशन रीजन, बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर, जो भी कहो। सो ये पोटेंशियल बैरियर हर बार आएगा ही आएगा, तो इस वजह से जब भी हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाएं तो हम हमेशा ये वाला डायग्राम यहाँ पे रेफर करते हैं। पी टाइप के जगह सारे के सारे पॉजिटिव होल्स, एन टाइप के जगह सारे के सारे नेगेटिव होल्स, बीच में डिप्लीशन रीजन में सारी मेरी डिफ्यूज्ड चार्जेस जो कि ऑपोजिट खुद ही क्रॉस करके आ चुकी हैं बिना वायर के लगाए। जिंदगी में वायर तो लगानी ही है, तो चलिए अब देखते हैं वायर कैसे लगानी है। सो दिस इज अवर फाइनल डायग्राम फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। बायसिंग मतलब होता है मेटल कनेक्ट करना। मेटल कनेक्ट करने का मतलब है इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करना और करंट का डायरेक्शन, या फिर बैटरी कनेक्ट करना और करंट को कुछ फ्लो करवाना। बायसिंग के यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा हो जाता है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, सी मेरे सेमीकंडक्टर के पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप यहाँ पे सेमीकंडक्टर है। मेरे बैटरी के पास भी दो ही टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल लगाऊं, एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल लगाऊं, यानी पी से पी जोड़ूं, एन से एन जोड़ूं, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या कहते हैं हम उसको, फॉरवर्ड बायस। उसी तरीके से अगर मैं उल्टा काम करूं यहाँ पे, मैं क्या करूं यहाँ पे, उल्टा काम करूं। उल्टा काम करने का मतलब होता है मैं नेगेटिव यहाँ पे लगाऊं, पॉजिटिव यहाँ पे, सॉरी माय बैड, पीएन जंक्शन वैसा ही रहेगा, पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, मैं उल्टा काम करूं, पॉजिटिव को लगा दूं नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव को लगा दूं पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पे कहते हैं रिवर्स बायस। क्या कहते हैं हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को, हम कहते हैं यहाँ पे रिवर्स बायस। चलिए, तो अब हम सीखते हैं वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन। ओके, क्या सीखते हैं यहाँ पे, वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन सीखते हैं। अब आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट थियोरेटिकली समझना जरूरी है, अदरवाइज आपको क्लास 12 का ट्रांजिस्टर स्किप करना पड़ेगा अगर आपने ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं सीखा तो। लेट्स स्टार्ट। तो जब मैं बटन ऑन करता हूँ तो कंसीडर करते हैं नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कंसीडर क्या, निकलते ही हैं हमेशा, तो लेट्स अज्यूम दैट यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मेरे निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं, तो यहाँ से वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे पैदल चलते जा रहे हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ पे हो जाएंगे जमा। ओके,
पॉजिटिव से क्या कंसीडर किया है, पॉजिटिव से हमने कंसीडर किया है होल, तो लेट अस अज्यूम पॉजिटिव पॉजिटिव साइड से यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस निकल रही हैं, सो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से निकलती जाएंगी यहाँ पर आते आते जमा होती जाएंगी। चलिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कॉमर्स वालों को भी इतना नॉलेज अब तक आ चुका है कि जो सेम चार्जेस होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, वो हमेशा करती हैं यहाँ से रिपेल। ओके, तो यहाँ पे जो इतना झुंड आया है इलेक्ट्रॉन्स का, वो इन इलेक्ट्रॉन्स के झुंड को क्या करेगा, इनको करेगा रिपेल, यानी कि नेट फोर्स एग्जर्ट होगा इस डायरेक्शन में। उसी तरीके से जो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से आई है वो इन सारी पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ पे करेगी रिपेल, एंड दैट्स इट, रिपल्शन रिपल्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो बैरियर पोटेंशियल की विथ मेरी इतनी ज़्यादा थी, अब वो बैरियर की पोटेंशियल की विथ यहाँ पे हो जाएगी कम, धीरे धीरे कम होते जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बढ़ते जाएंगे फोर्स एग्जर्ट होते जाएगा, एंड एक समय ऐसा आएगा जब बैरियर पोटेंशियल मेरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा और मेरे पास एक प्योर पीएन जंक्शन डायोड मिलेगा जिसमें सारे होल सारे इलेक्ट्रॉन्स बिंदास मिक्स होके घूम फिर रहे हैं। और जब वो स्थिति होगी कि बैरियर पोटेंशियल है ही नहीं, कोई रुकावट है ही नहीं, तब मेरा करंट भी बढ़िया तरीके से यहाँ पे फ्लो होता है। तो दिस वॉज फर्स्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या था पहला वे हमारा अंडरस्टैंडिंग का, यहाँ से होल सारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ये वाले डायरेक्शन में, तो बैरियर पोटेंशियल घट जाता है, बैरियर पोटेंशियल घट जाता है तो करंट यहाँ से बहता है। तो फॉरवर्ड बायस का अगर हम कंक्लूजन करना चाहें तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ विथ ऑफ बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, एंड फाइनली फाइनली क्या होता है, एंड फाइनली हो जाता है वो खत्म, एंड फाइनली इट वैनिशेस। और अगर हम करंट की बात करें तो करंट यहाँ पे फ्लो हमारा होता है। ओके, करंट की बात करें तो करंट हमारा यहाँ पे फ्लो होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे पार्ट के तरफ, दूसरा एक्सप्लेनेशन। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या कहता है, सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है, कुछ लोग बोलेंगे सर होल्स कैसे, पॉजिटिव चार्ज कैसे आप बोल रहे हो, पॉजिटिव चार्ज होल्स मतलब कुछ होल्स, और उनका अगर कंफ्यूजन है तो सेकंड एक्सप्लेनेशन है, नहीं तो फर्स्ट में से भी हो सकता है। सेकंड एक्सप्लेनेशन में हम पॉजिटिव चार्ज या होल्स को बीच में ही नहीं लाएंगे। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलते रहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके निकलते रहेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते जाएंगे, ट्रेवल करते जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेरे जमा होते जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जमा होते जाएंगे, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पुश होते जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे बैठे थे, अब उनको एनर्जी मिल रहा है बैटरी के थ्रू, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स में यहाँ पे जंप कर देंगे। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स में यहाँ पे जंप कर देंगे तो इधर हर जगह इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहाँ हर जगह इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इनको रिपेल करेंगे, बोलेंगे चलो दूर भागो, चलो जाओ यहाँ से, ऐसा करते करते ये इनको रिपेल करेंगे। तो अगर आप देखो बैरियर पोटेंशियल में भी आपका फोर्स एग्जर्ट हो रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं होल्स दिखेगा, होल्स में जंप करके यहाँ आ जाएंगे। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इधर होल हो गया, तो पड़ोस वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप मारेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ होल है, तो होल में इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप मारेगा। बोलो लॉजिक समझ गया का आपको, पूरा का पूरा जो मेरा नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में एस्टेब्लिश होते जाएगा, एंड फाइनली फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मेरे घुसते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से घुसते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स मेरे फ्लो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी करंट मेरा प्रोड्यूस होगा यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप ये वाला एक्सप्लेनेशन भी नोटिस कर सकते हो, बट ये वाले एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हम अटक जाते हैं, क्योंकि MHT CET में विथ ऑफ बैरियर पोटेंशियल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर आपको बता दूं विथ ऑफ बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, तो रियल लाइफ में होता है 10^-6 मीटर के फॉर्म में। ओके, इतना छोटा होता है, 1 माइक्रोमीटर भी उसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। हर बुक में अलग वैल्यू रहती है ऑब्वियसली। चलिए बात करते हैं ग्राफ की। तो जैसे मैं ओम्स लॉ की बात करूँ, तो ओम्स लॉ में तो जिंदगी सरल हुआ करती थी, राइट? ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है, वोल्टेज को बढ़ाओ करंट बढ़ते जाएगा, ऐसे करके आपको ग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे करंट पहले मिलेगा ही नहीं आपको। आप वोल्टेज बढ़ाया करंट कुछ नहीं मिल रहा है, वोल्टेज बढ़ाया करंट कुछ नहीं मिल रहा है, वोल्टेज बढ़ाया करंट कुछ भी नहीं मिल रहा है ना बराबर। वोल्टेज बढ़ाया हल्का सा करंट यहाँ पे मिला, हल्का सा करंट, ओके, जस्ट हल्का सा करंट समझो आप, मिल रहा है आपको 0.1 mA का करंट। वोल्टेज बढ़ाया तो करंट थोड़ा सा और बढ़ गया, ओके, वोल्टेज बढ़ाया करंट थोड़ा सा और बढ़ गया, समझो इस वैल्यू पे मुझे करंट यहाँ पे मिला है अप्रोक्सीमेटली, समझो मिला है 0.5 mA के आसपास। थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाया करंट मुझे कितना मिल रहा है, करंट मुझे मिल रहा है समझो 1 mA के आसपास। अब समझो ये वोल्टेज है मेरी 0.5,
तो 0.5 से जैसे ही यहाँ पे मैं जाता हूँ 0.6 पे, ओके ये समझो 0.55 थी, जैसे ही 0.5 से 0.66 पे जाता हूँ मेरा करंट सीधा यहाँ पे बढ़ जाता है टिल द लेवल ऑफ 10 मिली एम्पियर, एकदम स्ट्रेट लाइन खचाक करके ऐसा बढ़ जाता है, सडन स्पाइक आ जाता है, सडन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे हो जाती है। तो ये हमें ग्राफ एक्सपेरिमेंटली मिलता है। अगर आप शुरू से इस चैनल से कनेक्टेड हैं तो मैंने हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट डाला है, मैंने पीएन जंक्शन पूरा एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया है। सो यही ग्राफ हमें रियल लाइफ में मिलता है। क्या रीजन है इस ग्राफ का? तो इस ग्राफ का रीजन हम पीछे वाली एक्सप्लेनेशन से ही बता सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें इस ग्राफ की तो हमें पता है हमारे पास बैरियर पोटेंशियल है, ओके हमारे पास एक बैरियर पोटेंशियल है जो कि है 10^-6 मीटर का। उस बैरियर पोटेंशियल में अगर बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है तो मेरा करंट किसी भी कीमत पे नहीं बह सकता है, और जब बैरियर पोटेंशियल का विनाश होगा, जब बैरियर पोटेंशियल मेरा ब्रेक होगा, करंट सिर्फ और सिर्फ तभी बह सकता है, ओके तो यानी कि मैं क्या समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ यहाँ तक मेरा बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता था, उसके बाद मेरा बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे ब्रेक हुआ, एंड जब मेरा बैरियर पोटेंशियल इस पॉइंट पे आके ब्रेक हुआ है तभी मेरा करंट बिंदास बहना यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी वो एक्सपेरिमेंटली हमें प्रूफ भी मिलती है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको यही ग्राफ मिलता है, एंड इस पे यही एक्सप्लेनेशन 100% हमारी मैच भी करती है। बात करते हैं रिवर्स बायस के बारे में। अब रिवर्स बायस आप खुद से समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपका थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा ब्रेन का यहाँ पे, थॉट एबिलिटी का, बट स्टिल कर देते हैं एक बार, मैं अपने तरफ से बता देता हूँ। यहाँ से क्या निकलेगी, नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगी नेगेटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे रास्ते पे, जा जाके इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ पर जमा हो जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर जमा हो गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस इनको अपने पास खींच लेंगे, ओके पॉजिटिव चार्जेस क्या कर देंगी, पॉजिटिव चार्जेस इनको अपने पास से यहाँ से खींच लेंगी, ओके तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर इस तरफ अट्रैक्शन का फोर्स एग्जर्ट होगा। बात करूं यहाँ वाले बात की तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से अगेन पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारी पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे जमा हो जाएंगी और अगेन क्या करेंगी, सारी नेगेटिव चार्जेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगी। अगर आप ध्यान से देखो, ये तो मुझे तारक मेहता का वो एपिसोड याद आ रहा है जब जेठालाल को दो जने खींच रहे थे, एक लेफ्ट से एक राइट से, उसकी शर्ट फटी थी उस एपिसोड में, शायद कुछ टांकी वाला एपिसोड था वो, ओके सो इवेंचुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा। सो विथ ऑफ बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया, रुकावट कम होने के जगह रुकावट यहाँ पे बढ़ चुकी है, तो करंट यहाँ पे नहीं बहेगा। सो यहाँ पे नो करंट फ्लोस, ओके यहाँ पे हमारा नो करंट फ्लोस। सो अगर इसका ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में हमने सारी चीजें उल्टी कनेक्ट की हैं। ध्यान से देखो, अगर ये पी टाइप है तो पी टाइप को उल्टा लगाया है, नेगेटिव टर्मिनल लगाया है। अगर ये एन टाइप है तो एन टाइप को मैंने पी टर्मिनल लगाया है। तो जो ग्राफ मुझे पहले मिला था सब फॉरवर्ड का मैंने रिवर्स कर दिया है। नाम क्या है प्रोसेस का, रिवर्स बायस। अगर मैंने पॉजिटिव वोल्टेज लगाई थी तो अभी नेगेटिव वोल्टेज लगाई है, यानी कि इस तरफ आएगी। पॉजिटिव करंट मिल रहा था तो अब नेगेटिव करंट मिलेगा, यानी इस तरफ आएगा। सो इवेंचुअली यहाँ पे मुझे ग्राफ कैसा मिलता है, हम बनाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर आप ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, ये ग्राफ तो ऐसा ही है देखने में, लुक्स में तो ये भी ऐसा ही लग रहा है, वहां पे सिर्फ मुंडी इधर है, यहाँ पे सिर्फ मुंडी इधर है, ओके वो उधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, ये क्या बात हुई। आप तो बोले रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता ही नहीं है, ओके नो करंट फ्लोस, बट अभी आपने यहाँ पे ग्राफ सेम बनाया है तो यहाँ पे कुछ दूसरा डिफरेंस है, ओके तो यहाँ पे क्या होता है, मैं वोल्टेज बढ़ाते जाता हूँ करंट नहीं मिलता है, वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ करंट नहीं मिल रहा है, अचानक से वोल्टेज बढ़ाई और करंट बढ़ जाता है। तो आप बोलोगे सर ये तो वहां पे भी हुआ था ना, नहीं वहां पे कितने वोल्टेज पे हुआ था, अगर मैं सिलिकॉन डायोड की बात करूं तो सिलिकॉन डायोड के लिए वोल्टेज होती है नी वोल्टेज बोलते हैं इसको, नी वोल्टेज का मतलब जहां से आपको स्पाइक मिले 0.6 वोल्ट पे आपको ये ग्राफ मिल जाता है। बट अगर रिवर्स बायस की बात करूं, रिवर्स बायस में यही वोल्टेज आपको करीबन मिलेगी -30 वोल्ट से लेके -40 वोल्ट, जो कि मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कहने का मतलब यहां पे मेरा डायोड जल चुका है, ओके डायोड क्या हो चुका है, डायोड यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है, डैमेज, ओके पूरा का पूरा डायोड क्या हो चुका है, यहाँ पे मेरा डैमेज हो चुका है। अब समझो कहीं पे आग लग गई, मेरे डायोड जल गया। अब अगर मेरा डायोड जल गया तो आप खुश हो जाओगे, बोलोगे अरे वाह करंट बाहर है, जल गया को करंट कैसे बोल रहे हो आप, ओके सो मेरा डायोड क्या हो जाता है, मेरा डायोड यहाँ पे हो जाता है इवेंचुअली डैमेज।
तो -30 वोल्ट लगा के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो डायोड खराब हो गया, खराब हो गया तो उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से तो करंट बहने ही वाला है। सो कहने का मतलब रिवर्स बायस में करंट आपने बहा भी दिया तो डायोड आपका परमानेंटली वहां पे डैमेज हो जाएगा। जिन लोगों ने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया है वो लोगों को एक्सपेरिमेंट रिवर्स बायस में भी कराते हैं, बट इट इज नॉट अ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर आपके सामने है एग्जांपल, डैमेज हो जाता है। ओके, एंड फाइनली अगर हम बात करें सिंबल के बारे में, तो सिंबल इसका सिंपल है। पीएन जंक्शन आप बार बार ऐसे तो नहीं बना सकते, ये तो बचपन वाला काम हो जाएगा कि पी जंक्शन, फिर यहाँ पे हमारा एक बैरियर पोटेंशियल, फिर एन जंक्शन, ऐसे आप नहीं बना सकते हो। इसके जगह आपको क्या बनाना है, ये बनाना है जिसमें से नेगेटिव रिंग, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कैथोड। कैथोड का यहाँ पे मतलब हो जाता है नेगेटिव साइन। ओके, एंड ये वाला टर्मिनल आपका रिप्रेजेंट करता है एनोड। सो इवेंचुअली दिस इज द सिंबल फॉर द पीएन जंक्शन डायोड। ओके, चलिए तो अब मुझे जो प्रॉब्लम थी, सबसे पहले पहले प्रॉब्लम थी सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टर की प्रॉब्लम, राइट? कंडक्टर की सबसे मेजर प्रॉब्लम हमको आ रही थी। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, द मेजर प्रॉब्लम वॉज कंट्रोल। हमारे पास कोई भी कंट्रोल नहीं था, राइट? वी हैड नो कंट्रोल। तो कंट्रोल तो मैंने सॉल्व कर दिया, डोपिंग मैं करने वाला हूँ, मैं अपने हाथ से एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पे डालूंगा, ग्रुप 15 का एलिमेंट डालूंगा, तो वो तो कंट्रोल तो बैठ गया। दूसरा प्रॉब्लम था डायरेक्शन, कुछ भी नहीं था। जहां वायर लगाओ करंट बहना स्टार्ट हो जा रहा है, जहां बैटरी लगाओ करंट बहना स्टार्ट हो जा रहा है, बट नाउ आई हैव चॉइस। ओके, मेरे पास चॉइस है। अगर मैं फॉरवर्ड बायस लगाता हूँ, पी को पी से लगाता हूँ तो ही करंट बहेगा, अगर मैं रिवर्स बायस लगाता हूँ करंट मेरा नहीं बहेगा। ओके, सो यानी कि जो दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स थी हमने यहाँ पे कर दी हैं सॉल्व। एंड इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ सेमीकंडक्टर्स का सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमारा होता है समाप्त। इसके अलावा अचानक से मुझे एक टेम्परेचर का रिलेशन याद आ रहा है, सो सिर्फ मैं आपको वो बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने, इसको मैं अगले स्लाइड पर करता हूँ, ये नोट्स खराब हो जाएंगे नहीं तो, हे राम, नोट्स का भी ध्यान रखना है। चलिए, हाँ, इस स्लाइड पे कर सकते हैं एक्चुअली। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। सो वाइब्रेशंस बढ़ने से क्या होती है, वाइब्रेशंस बढ़ने से बॉन्ड्स मेरी ब्रेक होती हैं, और जैसे जैसे बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक होती हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होने से क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक होने से हमारे पास यहाँ पे मिलता है, बॉन्ड्स ब्रेक होने से हमको मिलता है एक इलेक्ट्रॉन और एक मिल जाता है होल, है ना? क्योंकि एक भी बॉन्ड ब्रेक हुई, समझो एनर्जी की वजह से कोई मेरी बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुई, ओके ओके, इरेजिबल नहीं है, एक बॉन्ड मेरी यहाँ पे टूट गई समझो, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन चला गया वो चला जाएगा कंडक्शन को, साथ ही साथ यहाँ पे मुझे एक होल भी मिल जाएगा और उस होल में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आके बैठेंगे। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ कंडक्टिविटी मेरी बढ़ते जाती है, और कंडक्टिविटी अगर मेरी बढ़ते जा रही है तो मैं कह सकता हूँ मेरी रेजिस्टिविटी यहाँ पे घटते जा रही है। तो अगर आप रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखोगे तो आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रेजिस्टिविटी आपकी यहाँ पे घटती जाएगी। इसी के साथ साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट है एनर्जी बैंड डायग्राम का, वो डायग्राम वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ बिकॉज दैट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास होते हैं वैलेंस बैंड, ओके, एक होता है मेरे पास कंडक्शन बैंड, ओके, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है, समझो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ यूजुअली मेरे वैलेंस बैंड के अंदर, ओके, कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैठे हैं। एक हम बना देते हैं यहाँ पे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से कंडक्ट करने के लिए गए हैं, ओके, सो वैलेंस बैंड में से अगर इलेक्ट्रॉन कोई जाता है कंडक्शन बैंड में लिए बैंड के लिए तो यहाँ पे नीचे बन जाता है एक होल, ओके, सो ऐसा भी आपका रिप्रेजेंटेशन आता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गैप कितना होता है। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूँ तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मतलब मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा है, बहुत इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, एक तो नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में, और अगर मुझे कंडक्शन के लिए उसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी यहाँ पे देना पड़ेगा फॉर सेमीकंडक्टर्स। उसी तरीके से अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर में मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, इंसुलेटर्स में तो होता ही नहीं है कंडक्शन, तो इंसुलेटर्स में गैप भी ज़्यादा होता है। आप डायग्राम में देखो, इधर गैप छोटा है, इधर गैप बड़ा है, और मुझे एनर्जी देना पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का, जो कि देना नियरली पॉसिबल नहीं है।
और अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, हजारों करोड़ों लाखों इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे। वहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं सकते, वहाँ पे तो अपना डायग्राम में कुछ सेपरेशन रहता ही नहीं है। हम एक बड़ा बैंड बना देते हैं, उसी को कहते हैं वैलेंस, उसी को कहते हैं कंडक्शन, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा वैलेंस का इलेक्ट्रॉन है, कौन सा कंडक्शन का इलेक्ट्रॉन है। सो उसमें तो कुछ बैंड गैप होती ही नहीं है, जबकि सेमी कंडक्टर्स में बैंड गैप होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, यानी जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी तब भी कंडक्शन के लिए जाएगा इलेक्ट्रॉन, और मतलब कंट्रोल है। समझ रहे हो क्या? सेमी कंडक्टर में बैंड गैप है, बैंड गैप है मतलब कंट्रोल है। मैं जब एनर्जी दूंगा तब करंट बहेगा, एनर्जी देना बंद करंट बहना बंद। इंसुलेटर्स में वो एनर्जी बहुत है, मतलब दे ही नहीं सकते, और कंडक्टर्स में एनर्जी है ही नहीं। सो इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारा सारा का सारा चैप्टर हो जाता है समाप्त, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, सो यस, सेमीकंडक्टर्स हमारा पूरे बेसिक्स हो जाते हैं, बेसिक्स एज वेल एज क्लास 11th का पूरा चैप्टर हो जाता है समाप्त। सो यूजुअली स्टूडेंट्स का हमेशा एक ही कहना रहता है, सर फिजिक्स हार्ड है, सम्स जमते नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सम स्टार्ट करो खत्म नहीं होता है, कैलकुलेशन फॉर्मूला नहीं समझ रही है। इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी में फिजिक्स सीख रहे हो तभी ही फिजिक्स कंप्लीट आपके दिमाग में जाएगी। ओके, सेकंड चीज है यहाँ पे लिंक। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब पे टॉपिक डाला, ये वीडियो यहाँ से, वो वीडियो उसमें से, ये वीडियो इसमें, अरे नया आया है कोई, चलो उसका एक प्लेलिस्ट देख लेते हैं। जब आप ऐसे देखते हो आपको लिंक मिलती नहीं है, पता ही नहीं चलता है कौन सा टॉपिक कहाँ से रिकनेक्ट हो रहा है। सो दीज आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कंप्लीट MHT CET का प्रिपरेशन चाहिए, सो मेरी बैच यहाँ पे तैयार है। लास्ट ईयर इसी बैच में से 54 स्टूडेंट्स 96 परसेंटाइल अबव गए थे, मैक्सिमम परसेंटाइल था 99.75। दो स्टूडेंट्स को एक साथ मिला COEP। बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़े बड़े कॉलेजेस में गए, बट COEP का क्रेज थोड़ा ज़्यादा है। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्यूशन फीस माफ़ हो गई, यानी TFWS मिला। प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने इंजीनियरिंग किया 40,000 रुपीज़ में। ओके, सो ये बैच लास्ट ईयर रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, सारी डिटेल्स यूट्यूब में आप देख सकते हो। उसी तरीके से कंप्लीट MHT CET बैच हमने 22 के लिए भी यहाँ पे लॉन्च कर दी है। सबसे बेस्ट बात इसकी ये है, आपको सिर्फ महाराष्ट्र में ही एकता देखने को मिलेगी। हर जगह आप देखो यूट्यूब पे झगड़े चल रहे हैं, ये कंपनी वाले उसको ऐसा कर रहे हैं, ये टीचर उसको ऐसा बोल रहा है, सब एक दूसरे को स्कैम एक्सपोज ऐसा कर रहा है। महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको एकता मिलेगी, जिसमें मेरी बैच लेने के साथ आपको दिनेश सर एंड टीम की बैच मिल जाती है कंप्लीटली फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप चाहो फिजिक्स मेरे से पढ़ो, दूसरे सब्जेक्ट्स वहाँ से पढ़ो, आपको चाहे सब मेरे जगह से पढ़ो, मेरे वाले टीम से पढ़ो, सब आपकी पर्सनल चॉइस है। इसकी फीस है एट प्रेजेंट 2500 फॉर अ मंथ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, यूज़ करें रेफरल कोड, दुनिया इसी पे चल रही है आजकल। फीज आपको दिखाएगा CHOPPAL3, बट यू हैव टू यूज TCRJ23। TC का मतलब टेक केयर, RJ मेरा नाम है, 23 विल बी लाइफ चेंजिंग ईयर, क्योंकि तब आप ग्रेजुएशन में जा चुके रहोगे। सो सारा डिटेल्स आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है हर जगह पे, एंड दैट्स इट। ओके, लास्ट ईयर प्रॉब्लम क्या था, दिनेश सर एंड टीम का अलग बैच था, मेरा अलग बैच था। स्टूडेंट्स का एक ही कहना था, सर दो बैच कैसे ज्वाइन करें, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, राइट? सो इस वजह से इस बार सारे टीचर्स एकत्रित हो गए हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।